नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्णव नायक गोस्वामी। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान रिपब्लिक भारत नहीं, और आज पूछता है भारत की यूथ, अच्छा यार स्टार्टअप ज्ञान की ऑडियंस, कि इतने सारे इंडियंस ग्लोबल कंपनीज के कैसे सीईओस बन जाते हैं। मतलब ऐसा क्या है हमारे दाल चावल में कि उनके लोग उनकी कंपनी नहीं चला पाते पर हम इतनी बढ़िया से चला लेते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे क्वालिटीज़ जिसकी वजह से हमारे इंडियंस ग्लोबल लेवल पे इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। उन क्वालिटीज़ से हम अपने स्टार्टअप्स, हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम और इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, और ये जो चीज़ हो रही है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो अब हम जल्दी से ये वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपका क्विज नहीं लेने वाला हूँ कि बताओ यार इन लोगों में क्या चीज़ कॉमन है। मुझे पता है कि आपको पता है, पर फिर भी हम कुछ फेमस इंडियन अमेरिकन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो ग्लोबल कंपनीज को भी हेड करते हैं। सबसे फेमस है हमारे आपके सुंदर पिचाई। पहले वो गूगल के हेड बने, फिर लैरी और सर्गे ने बोला होगा कि यार गूगल आप इतना बढ़िया चला ही रहे हो तो अल्फाबेट भी संभाल लो, हम थोड़ा कुछ और काम कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं सत्य नडेला जो कि हेड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट को। उनको बिल दादा ने बोला होगा कि स्टीव अंकल बोर हो गए कंपनी चला के, थोड़ा तुम कंपनी संभाल लो। और सत्य नडेला ने कंपनी तो बहुत बढ़िया चलाई, उसके साथ मणिपाल का ब्रांड को भी नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए। फिर आते हैं शांतनु नारायण जो कि अडोबी को हेड करते हैं। अभी रिसेंटली अरविंद कृष्णा बने हैं हेड IBM के, उनके भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला होगा कि यार देखो तुम्हारे दोस्त कितने बढ़िया तरीके से कंपनी चला रहे, तुम भी थोड़ा IBM को ऊपर लेके जाओ। उसके बाद जो डूबती हुई कंपनी है ना उनको भी संभालने इंडियंस ही आते हैं। इसका एग्जांपल है WeWork, जिनका एक टाइम में वैल्यूएशन $47 बिलियन था, और उसके बाद वो अपना जब IPO करने गए, IPO तो कैंसिल हुआ, इनका वैल्यूएशन करके $7 बिलियन हो गया। उसके बाद SoftBank ने उनके CEO एडम न्यूमन को फायर कर दिया, और अभी संदीप मथुरानी हेड करते हैं WeWork को। देखते हैं कि यार वो कब तक WeWork का कमबैक करा सकते हैं। अब आप बोलेंगे यार एक रीज़न इतने इंडियन अमेरिकन के ग्लोबल कंपनीज का CEO बनने का ये हो सकता है कि यार इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है तो लॉ प्रोबेबिलिटी से कुछ लोग तो CEO बनेंगे। दोस्त ये टैक्सी ड्राइवर या मैकडॉनल्ड्स में काम करने की जॉब थोड़ी है कि तुमने अप्लाई कर दिया और तुम क्वालिफाई हो गए, ये CEO बनना कोई मजाक थोड़ी है। और ऊपर से पॉपुलेशन की बात हो रही तो चाइना की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनके तो ग्लोबल कंपनीज में CEO नहीं है। फिर आप बोल सकते हैं कि क्या पता इंडियंस बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो, तो भैया वो तो चाइनीज भी है, साउथ कोरियंस भी है, यूरोपियन भी है, अमेरिकन भी है, उनके यूनिवर्सिटीज रैंकिंग्स में टॉप करती हैं, मोस्ट ऑफ द बिलियनर्स अमेरिकन और यूरोपियंस हैं, तो ये तो रीज़न हो नहीं सकता। कुछ तो बात है कि इन ग्लोबल कंपनीज जहाँ पर हेडक्वार्टर होती है वहाँ के लोग हेड ना करके इंडियन अमेरिकन उनको हेड करते हैं। पहला रीज़न इंडियंस के ग्लोबल इतना सक्सेसफुल होने का है उनकी एजुकेशन। अब आप इंडियन एजुकेशन से कितनी भी बुराई कर लो कि यार इसमें सिर्फ रट्टा मारना पड़ता है, पिस देते हैं, घिसाई कर देते हैं, पर बात ये कि ये इतना घिसते हैं कि आपको पॉलिश करके बिल्कुल एक डायमंड बना देते हैं। आप खुद ही सोचो यार, जिसने इंजीनियरिंग करी होती है इंडिया में वो इंजीनियरिंग करने के अलावा सब कुछ बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे कर लेता है, चाहे वो क्रिकेट खेलना हो जैसे R. Ashwin खेलते हैं, या TVF के फाउंडर्स और एक्टर्स हो जो कि IIT के, या राइटर्स हो जैसे चेतन भगत। अब आप खुद ही सोचो यार, बचपन से ही मैथ्स के ऊपर इंडिया में कितना ज़्यादा फोकस दिया जाता है। कहीं भी आप खेलने जा रहे होगे, मम्मी पूछ लेगी यार 19 × 9 बताना, अब आप गलती से बोल दो 161 तो आपका खेलना बंद। इसका फ़ायदा ये है कि इंडियंस यूजुअली मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छे होते हैं और वो डेटा को बहुत बढ़िया से इंटरप्रेट कर पाते हैं। और आपको पता है कि यार अगर आपको बिजनेस चलाना है, अगर आपको अपने नंबर्स नहीं पता है तो आप घंटा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इंडियंस में हर एक बच्चे को 2 से 3 लैंग्वेज तो आती ही आती है। नॉर्थ इंडिया में उनको हिंदी आती है, फिर पंजाबी, हरियाणवी ऐसी अपनी एक लोकल लैंग्वेज आती होगी, और इंग्लिश सीखने के लिए तो घर वाले इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज देते हैं, जहाँ पर अगर आपको टीचर को कंप्लेन भी करना हो तब भी आपको इंग्लिश में ही बोलना पड़ता है। और तब भी अगर इंग्लिश ना सीखे तो इंग्लिश मूवीज़ है, इंग्लिश वेब सीरीज़ है, और लड़कियाँ तो यार इंग्लिश में बात करती हैं तो वहाँ पर आपकी इंग्लिश भी बढ़िया हो जाती है। तो इससे फ़ायदा क्या है, आप देखोगे यार जो ग्लोबल कंपनीज हैं उसमें इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज होती है और इंडियंस को इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आप दूसरे कंट्रीज़ देख लो, चाहे वो चाइना के हो, फ्रांस के हो, जर्मनी के हो, ये अपनी लैंग्वेज तो बहुत बढ़िया बोल देते हैं पर इंग्लिश में ये फंस जाते हैं और वहाँ इंडियंस आगे बढ़ जाते हैं।
तो एक बिजनेस में अगर आप अपने आइडियाज़ को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाए तो चाहे आप कितने भी स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। और इंडियंस नंबर्स और कम्युनिकेशन में तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा यार, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, आजकल मैं अलग डिफरेंट केस स्टडीज़ जैसे लिज्जत पापड़, वसंत एंड को, ऐसी कंपनीज़ के ऊपर केस स्टडीज़ इंस्टाग्राम में पोस्ट कर रहा हूँ, तो तभी बोलता हूँ यार इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके वहाँ फॉलो कर लो। दूसरा एडवांटेज इंडियंस के पास जो होता है वो है डाइवर्सिटी। अब आपको पता है कि यार इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट में डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स, अलग अलग रिलीजन्स होते हैं, फिर भी हम एक साथ रहते हैं और काम करते हैं, और हम बचपन से ही डिफरेंट लोगों के साथ एडजस्ट होना सीख जाते हैं और उनके साथ एक टीम में काम करके आगे बढ़ना भी सीख जाते हैं। अब अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगे, वहाँ आप यूजुअली देखेंगे एक टाइप के लोग होते हैं, सिमिलर कल्चर होता है, एक ही लैंग्वेज होता है, एक ही रिलीजन होता है, तो ये लोग जब अपने कम्युनिटी में होते हैं तब तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का काम करते हैं, बट जैसे ही डिफरेंट लोग आ जाते हैं उस कम्युनिटी में, फिर उनको दिक्कत होती है क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता अलग अलग लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए। और इंडिया में इतने डिफरेंट स्टेट्स हैं, बाहर अगर आपकी कंपनी में 20 कंट्री के भी लोग काम कर रहे होंगे, आप बोलेंगे कि भैया इससे ज़्यादा डिफरेंट टाइप के लोग तो मैंने अपने देश में ही संभाले हैं, वो भी बिना बिजनेस मैनेज करते हुए, तो अगर वहाँ पर संभाल लिया तो यहाँ पर तो संभाल ही लेंगे। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इंडियंस को। तीसरा पॉइंट है हसलिंग नेचर। अब भैया मेहनत तो हर कोई कर लेता है, बट इंडिया में जो हसल नेचर है ना वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का है, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें होती है। देख, कभी भी कुछ भी गलत हो जाता है, कभी ऑफिस पॉलिटिक्स हो गया, कभी आप कहीं जा रहे हो कोई और दिक्कत हो गई, मेट्रो रुक गई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स कंटिन्यूसली आते रहते हैं। मतलब सुबह आप जब ऑफिस जा रहे हो ऐसा लग रहा है कि कहीं जंग पे जा रहे हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके आप ऑफिस जाते हो और फिर वहाँ पर अपना बेस्ट लेवल का परफॉर्मेंस देते हो। और यही सेम चीज़ बिजनेस में भी होता है। अगर आप नॉर्मल फॉरेन में एक जॉब कर रहे हो तब आपके ऊपर इतने ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होते, आपका गोल सेट होता है, इतनी ज़्यादा चीज़ें ऊपर नीचे नहीं होती, पर आप बिजनेस मैनेज कर रहे हो और बड़े बिजनेस मैनेज कर रहे हो तब कभी भी कुछ भी हो सकता है और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। और इंडियंस तो यार एवर रेडी होते हैं, रास्ते में गाय आ गए, कहीं और स्ट्राइक हो गया, ऑफिस में लाइट चले गया, इंटरनेट चला गया, हर चीज के लिए हम तैयार है, गोल तो हम अचीव करके ही रहेंगे, जिसको रोकना है रोक लो। और यही नेचर की वजह से इंडियंस इतनी जल्दी फॉरेन कंट्रीज में जब उनको थोड़ा स्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ग्रो कर लेते हैं। चौथा पॉइंट होता है इंक्लूसिविटी। अब ऐसा नहीं है कि यार हम बिल्कुल डिफरेंट टाइप के लोगों के साथ काम करते हैं, हसल करते हैं, तो अपने कोवर्कर्स, दोस्तों का, आस पड़ोस लोगों का ख्याल नहीं रखते हैं। हम सबको साथ में लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास एक्चुअल में हम प्रैक्टिस करते हैं, और हम दूसरे के ओपिनियंस का भी ख्याल रखते हैं, ऐसा नहीं उनको पीछे छोड़ के आगे, बिल्कुल हम एक टीम की तरह आगे बढ़ते हैं और हमें एक दूसरे के प्रति काफ़ी अपनापन होता है। ये सेम चीज़ फॉरेन कंट्रीज़ में जब दूसरी जगह से लोग आते हैं उनको इंक्लूसिव फील कराने में उनको दिक्कत होती है। इंडियंस तो सबको भाई बहन मानते ही हैं, तो सबका ख्याल रखते हैं, और जो सिंपथेटिक और एम्पथेटिक नेचर है वो ग्लोबल लीडर्स का होना बहुत ज़रूरी है। इंडियंस के तो ये क्वालिटीज़ बचपन से ही है। पाँचवा क्वालिटी जिससे कि इंडियंस ग्लोबली इतने सक्सेसफुल होते हैं वो है अडेप्टेबिलिटी। भैया कमेलियन जितनी जल्दी अपना कलर चेंज करते हैं ना, उससे जल्दी तो यार इंडियंस अपना नेचर चेंज करते हैं जब वो फॉरेन में जाते हैं। मतलब लिटरली प्लेन में बैठते ही वो अपने आप को अमेरिकन या यूरोपियन मान लेते हैं, वहाँ के सारे रूल्स फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि चार दिन रह गए तो यार उनका एक्सेंट भी कॉपी कर लेते हैं। इसके अलावा वो उनके कल्चर, उनके रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ से अडेप्ट कर जाते हैं, और इससे जो उस कंट्री के लोग हैं उनको भी थोड़ा कंफर्टेबल फील रहता है और ये सबके साथ मिलजुल के रहते हैं। और ग्लोबल कंपनी में अडेप्टेबल होना कितना ज़रूरी है आपको पता ही है, इतने डिफरेंट कंट्रीज़ कल्चर्स के लोग हैं, आपको इंश्योर करना है कि सब एक दूसरे से एडजस्ट करें और मेन गोल पे फोकस करें, और ये चीज़ इंडियंस बहुत बढ़िया से कर लेते हैं। अब ये मत मानिए कि यार सब कुछ इंडिया में ये, एक और जो फ़ायदा इंडियंस का होता है वो ये कि यूजुअली वो अंडर ग्रेजुएशन इंडिया में करते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन यूएस या यूरोप में करते हैं। अब इसमें लिटरली उनको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल जाते हैं, इंडिया की चीज़ें भी सीखते हैं, बाहर जाके वो पढ़ाई करके उनकी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखते हैं, फिर वहाँ वो कई साल जॉब करते हैं और ये सारे एक्सपीरियंस को जोड़ के और धीरे धीरे अपने लॉयल्टी, हार्डवर्क, परसिस्टेंस, इनोवेशन, क्रिएटिविटी आगे कॉर्पोरेट लैडर क्लाइम करते हैं और एंड में सीईओ बनते हैं। अब देखो यार, ये इंडियन अमेरिकन ग्लोबल लेवल पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, बट ज़रा सोचो कि यार उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती, यहाँ थोड़ा कम पॉलिटिक्स, थोड़ा कम करप्शन और एक्चुअल टैलेंटेड लोगों को आगे भेजा जाता, तो सोचो अगर वो इस टाइप की कंपनीज इंडिया में बनाते तो हमारे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का कितना ज़्यादा फ़ायदा होता, कितने लोगों को जॉब्स मिलती, कंज्यूमर्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स ट्राई करते और एंड में इकॉनमी एक्चुअल में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती है।
तो हमको इंश्योर करना चाहिए कि जो इतने टैलेंटेड हार्डवर्किंग परसिस्टेंट क्रिएटिव इनोवेटिव लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी इंडिया में मिले अपना बिजनेस करने के लिए या अपना टैलेंट दिखाने के लिए। नहीं तो यार अगर हमारा बेस्ट टैलेंट हमेशा बाहर चले जाएगा तो एंड में तो यार बाहर की कंपनी का ही तो फायदा होगा। अगर हम चाहते हैं कि यार इंडियन एक ग्लोबल लीडर बने तो हमको गूगल फेसबुक अमेजोन एप्पल माइक्रोसॉफ्ट लेवल की उतनी बड़ी कंपनीज चाहिए तो उसके लिए हमारे पास उस लेवल की लोगों की कमी नहीं है, पर हमको उनको वैसा एनवायरमेंट देना पड़े ताकि वो भी यहाँ पर सक्सीड कर पाए, ताकि हमारे देश का नाम यहीं से रोशन करे और फिर इंडियन कंपनी धीरे धीरे ग्लोबली एक्सपैंड करे। तो दोस्तों ये थे 5 रीजंस जिसकी वजह से इंडियंस ग्लोबल कंपनीज में इतना ज्यादा सक्सेसफुल हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लो और घंटा दबा दो ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आगे वहां फॉलो कर लो। और क्या आप चाहते हैं कि मैं इंटरेस्टिंग स्टार्टअप प्रोडक्ट्स एप्स वेबसाइट सर्विसेज का रिव्यू करूं? अगर आप कोई स्पेसिफिक स्टार्टअप का रिव्यू चाहते हैं नीचे कमेंट कर देना, मैं उस स्टार्टअप के ऊपर एक डिटेल रिव्यू वीडियो बना दूंगा। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप बिजनेस मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं एक नई और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।